अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में मज़ीद बताऊँगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो हैं आगे पाँच छः किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले है वो हम पढ़ेंगे आज एसर्टिव सेंटेंसेस। इसके अलावा भी हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में फिर लेट का यूज़ वो भी आज हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो गए, और इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए। तो ये हमने पढ़ने हैं। तो आज का जो मेरा है छोटा सा लेक्चर है वो है असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। तो असर्टिव सेंटेंसेस जो हैं ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो कि तकरीबन हम पढ़ चुके हैं अभी। तो आज जस्ट हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो हम पहले लेक्चर्स में सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं वो असर्टिव थे, उनमें कुछ असर्टिव थे। तो असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें किसी बात की या किसी एक्शन के होने या ना होने की या किसी बात उनके होने की कोई ख़बर दी गई हो, वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। उर्दू में मैंने के सामने लिखा हुआ है बयानिया जुमला, जिसमें कोई बयान दिया जाए उनको हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। बाकी सारी की सारी चेंजिंग्स इसमें वही है जो हम पढ़ चुके हैं, प्रोनाउंस की चेंजिंग वही रहेगी, हर सेंटेंसेस में टेंसेस की चेंजिंग्स वही रहेगी, और मज़ीद जो हमने सर्टेन वर्ड्स की चेंजिंग थी उसमें वो ही रहेंगी। मज़ीद इसमें देखेंगे सेंटेंस नंबर 1 लिखा है आपके सामने, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगेन आई एम राइटिंग फॉर यू एट दी सॉरी आई एम वेटिंग फॉर यू एट दी कॉलेज। तो इसके इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है ही टोल्ड मी। तो इसमें एक बात आपको बताता चलूँ कि इसमें आप सेड को टोल्ड में बदल सकते हैं, नहीं भी बदलेंगे तो आपकी मर्ज़ी है। और अगर यहाँ पे से लिखा होगा उसको टेल में बदलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे तो टोल्ड के साथ आपने टू नहीं लगाना, या तो सेड टू को सेड टू ही लिख दें, अगर टोल्ड में बदलना चाहेंगे तो टू को रिमूव कर दें। ही टोल्ड मी कोमा को रिमूव करके हम दैट लगाते थे, यहाँ पर भी वैसे ही लगाया हुआ है हमने। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते थे सब्जेक्ट से ही, ये ही आ गया आपके सामने। वाज वेटिंग, इज एम आर को हम वाज वर में चेंज करते थे, वाज वेटिंग फॉर यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज हो गया मी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया मी एट द कॉलेज, वैसे का वैसे ही आ गया। नंबर 2 सेंटेंस में देखेंगे, आई सेड टू द प्रिंसिपल कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन आई हैव एक्टेड अपॉन योर एडवाइस सर। इसमें भी मैंने सेंड को टोल्ड में बदला हुआ है, आई टोल्ड द प्रिंसिपल, टू ओमिट कर दिया, रिस्पेक्टफुली। ये आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सर और मैडम का लफ्ज़ जब हम शुरू रिपोर्टेड स्पीच के आखिर में या शुरू में यूज़ करते हैं तो उसमें हम उसको ओमिट करके रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के फौरन बाद लगा देते हैं रिस्पेक्टफुली। आई टोल्ड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली, कोमा रिमूव होकर दैट आ गया। आई हैव एक्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। आई हैड एक्टेड अपॉन योर सेकंड पर्सन की पोजेसिव केस है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की पोजेसिव क्या होगी हिज, योर एडवाइस हिज एडवाइस में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत आसान सेंटेंसेस हैं। नंबर 3 सेंटेंस है अली विल से। एक बात आपको फिर दोबारा रिवाइज हो रही होगी माइंड में कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि प्रेजेंट इनडेफिनेट और फ्यूचर इनडेफिनेट अगर रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना। तो सेम एस मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है, अली विल से को अली विल से दैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अली, अली का प्रोनाउन ही
आई डू नॉट टेल लाइज प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो मैंने इसका टेंस चेंज नहीं किया हुआ. ही डज नॉट टेल लाइज एज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अली अली का प्रोनाउन ही इज अफ्रेड ऑफ अल्लाह. कोई टेंस मैंने इसमें चेंज नहीं किया हुआ. आपको पता है कि ही के बाद जो हम डू डज यूज़ करते हैं तो उसके बाद ही के बाद डज यूज़ करते हैं और आई के बाद डू यूज़ करते हैं. बाकी मैंने इसमें कोई टेंस चेंज नहीं किया. नंबर फोर सेंटेंस है लिखा हुआ ही सेट कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन. यहाँ पर भी आपको रिवाइज हो रहा होगा कि मैंने आपको ये भी सेंटेंस बताया था कि जिसमें कोई रियलिटी पाई जाती है, जिस सेंटेंस में मोरल होता है, तो उस सेंटेंस को भी हम चेंज नहीं करते. रिपोर्टिंग स्पीच में बेशक पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, हमने उसको चेंज नहीं करना. तो ही सेड को ही सेड लिख दिया, कोमा रिमूव होकर दैट आ गया, दी अर्थ रिवॉल्व्स राउंड दी सन को दी अर्थ रिवॉल्व्स राउंड दी सन ही लिख देंगे. तो ये असर्टिव सेंटेंस जो है हमारे कंप्लीट हो गए. इसके बाद यूज ऑफ लेट बताया हुआ है. यहाँ पे लेट का इस्तेमाल करना, तो लेट का दो जगह पर इस्तेमाल किया जाता है. या तो सेंटेंस में कोई तजवीज़ दी होगी, या तो फिर उसमें इजाज़त ली गई होगी. तो अगर तो सेंटेंस में कोई तजवीज़ होगी तो हम उसमें सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे और कोमास को रिमूव करके दैट लगा देंगे, जैसा कि हम पिछले सेंटेंसेस में भी लगाते आए हैं. और नंबर थ्री शुड का हम इस्तेमाल करेंगे. ये तीन चेंजिंग होंगी अगर सेंटेंस में कोई तजवीज़ दी गई होगी. सेंटेंस आपके सामने है ही सेट लेट अस गो टू द रिवर. अब यहाँ पे तजवीज़ दी गई है कि चलो दरिया पे चलते हैं. तो ये तजवीज़ है तो डेफिनेटली हमने इसको सेट को चेंज कर दिया प्रपोज्ड में. तो ही प्रपोज्ड, कोमा को रिमूव करके हमने दैट लगाया. अस आई की आई अस फर्स्ट पर्सन है प्लूरल में, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही प्लूरल में क्या होगा, दे. ये आ गया दे. शुड का यूज़ करना है, दे शुड गो टू दी रिवर, गो टू दी रिवर ही आ जाएगा. ठीक हो गया. यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी थोड़ी सी, यहाँ पे अस लिखा हुआ, यहाँ पे दे लिखा हुआ. तो ये आई फर्स्ट पर्सन है प्लूरल में, वी होगा. तो इसी तरीके से फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से जब चेंज किया ही है, तो ही की भी प्लूरल ही हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वी की भी प्लूरल ही लिखी हुई है अस. तो इसी तरीके से दे लिखेंगे हम, तो दे शुड गो टू द रिवर. नंबर टू सेंटेंस है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन लेट अस गो फॉर अ वॉक टू दी गार्डन. इसमें भी तजवीज़ दी गई है, ही प्रपोज्ड, हमने प्रपोज्ड यूज़ किया, कोमा को रिमूव करके दैट लगा दिया. इसमें भी वही केस है अस, तो प्लूरल में हम यहाँ पे दे लगाएंगे, दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक. बी है इजाज़त के लिए अगर इस्तेमाल किया गया हो, तो हम जब इजाज़त के लिए होगा तो उसमें सेड को हमने चेंज करना है रिक्वेस्टेड में, और कोमा को हम अभी तक दैट में यूज़ करते आए हैं, दैट में चेंज करते आए हैं. लेकिन अब जब लेट वाले सेंटेंसेस में इजाज़त के लिए यूज़ किया होगा तो हमने उसमें कोमा को टू में यूज़ करना है. जैसे कि ही सेड, उसने कहा लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो. तो इसमें इजाज़त ले रहे हैं, इजाज़त है, तो हमने सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, ही रिक्वेस्टेड और टू लगा दिया फौरन. ही रिक्वेस्टेड टू लेट मी, फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज किया सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट की भी ऑब्जेक्टिव केस आ गई. आई फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव केस मी, तो ये सब्जेक्ट से जब चेंज हुआ, ही है सब्जेक्ट, तो ही की भी ऑब्जेक्टिव केस हिम होगी, तो यहाँ पर हिम आ गया. लेट हिम डू माई वर्क, तो माई फर्स्ट पर्सन की पोजेसिव केस है, तो इसको फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज किया, ही की पोजेसिव केस हिज हो गई. लेट हिम डू हिज वर्क. तो ये थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें. अगर यहाँ पे कोई तजवीज़ दी गई होगी सेंटेंस में, तो हमने सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करना है, और अगर कोई इजाज़त होगी तो उसमें सेड को हमने रिक्वेस्टेड टू में चेंज करना है.
तो ये लेट वाले सेंटेंस बहुत आसान है, इसकी मज़ीद आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मज़ीद रिवीजन हो जाएगी इसकी। इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।